नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की बड़ी खबरों को आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर एक एक करके तमाम मुख्य समाचार आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग बने रहिए साथ में। और आप भी मानते हैं महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है, तो एक लाइक वीडियो को जरूरी कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले और मुख्य समाचार में आपको बताते चले जो खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जी हां, इस राज्य के सीएम ने की है बड़ी भविष्यवाणी, तारीख भी बता दी। दोस्तों क्या कुछ अपडेट है, राहुल गांधी क्या सच में देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? ये भविष्यवाणी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की है। सीएम रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी जल्दी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। जी हाँ, दरअसल एक कार्यक्रम में एंकर ने रेवंत रेड्डी से जब यह पूछा कि फुल टाइम पॉलिटिक्स और रेवंत रेड्डी फॉर्मूला यदि अन्य राज्यों में अपनाया जाए तो वहां भी कांग्रेस का झंडा फहराया जा सकता है क्या, इसको लेकर तेलंगाना के सीएम ने मुस्कुराते हुए बोले, राहुल गांधी भी 24 घंटे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वह हर दिन हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जल्द ही राहुल गांधी यहां पर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बताते चले, यहां पे जो ताजा घटनाक्रम घट रहा है वह आंध्र प्रदेश से जुड़ा है। जी हां, टीडीपी प्रमुख और आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू के काफी यहां पे मधुर संबंध है, दोस्ती है सीएम रेवंत रेड्डी से। वह पूर्व में टीडीपी के ही दोस्तों विधायक रह चुके हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि बड़ी प्लानिंग सेट हो गई है और बीजेपी के मुख्य सहयोगी के रूप में टीडीपी किसी भी समय खेला कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। दोस्तों नीतीश कुमार ने बुलाई है सांसदों और विधायकों की एक इमरजेंसी बैठक, क्या बिहार से भी हो जाएगा खेला? एनडीए और बिहार के राजनीति में उठापटक दौर जारी है। नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए दोस्तों काफी जाने जाते हैं और उनकी खामोशी ही सब कुछ बयां कर देती है। उठापटक को देखते हुए लंबी खामोशी के बाद नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर को अपनी पार्टी के तमाम विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की एक इमरजेंसी बैठक बुला ली है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों खबर लीक नहीं की गई है कि बैठक आखिर है किस संबंध में, लेकिन अगर नीतीश कुमार के गठबंधन को तोड़ने या किसी अन्य सियासी दल के साथ जुड़ने या अलग होने का पिछला पुराना इतिहास देखा जाए तो उनका इसी प्रकार का अंदाज रहा है। नीतीश कुमार अपने करीबियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापों से खफा चल रहे हैं। अगले 72 घंटे बिहार की सियासत के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास संवैधानिक पद पर होते हुए अपनी बहू के लिए कर रहे प्रचार, इसका मामला उठा पहुंचा चुनाव आयोग के पास। जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार ने चुनाव आयोग को लिखा है पत्र। जी हाँ दोस्तों, रघुवर दास झारखंड के दिग्गज नेता थे, उन्हें राज्यपाल बनाया गया उड़ीसा का और वहां से छुट्टी लेकर यह अपनी बहू के लिए प्रचार करते दिख रहे हैं इन दिनों झारखंड में। इन्होंने ऐसा ऐलान किया था कि प्रचार करेंगे छुट्टी लेकर। दोस्तों ये रघुवर दास पहुंचे हैं झारखंड और इस पूरे मामले को कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिख दिया पत्र। जमशेदपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय कुमार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की शिकायत की है और कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है और उस पर रहते हुए राज्यपाल रघुवर दास यहां पे चुनाव प्रचार करते घूम रहे हैं, जो कि असंवैधानिक है, गलत है। ये ताजा अपडेट आई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 9 सीटों पे होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है। बीजेपी को राजनीतिक सबक सिखाने के लिए सपा ने घोषित कर दी है पीडीए के स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट। हर एक सीट पर बीजेपी के साथ खेल होगा, क्योंकि पीडीए ही एनडीए की दवाई है, कहना है समाजवादी पार्टी का। दोस्तों ये लिस्ट जारी की गई है जिसमें अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, वहीं आजम खान, डिंपल यादव, शिवपाल यादव के साथ ही दोस्तों यहाँ पे नरेश उत्तम पटेल और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद आदि का नाम शामिल है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी को मिल रही है पीडीए से कड़ी चुनौती। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, प्रार्थी सीबीआई और इलेक्शन कमीशन को जारी किया नोटिस। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में
हॉर्स ट्रेडिंग की सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की सुनवाई पे रोक लगा दी। जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने रोक लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले दनियाल दानिश, सीबीआई और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि हाई कोर्ट के मामले की सीबीआई जांच से इनकार करते हुए याचिका यहां पर निष्पादित कर दी थी। और इस मामले में दोस्तों देख सकते हैं हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किए जाने की मांग की गई थी। याचिका में वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया गया है। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को झटका, सुप्रीम कोर्ट का सजा पर रोक लगाने से किया इनकार, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कोयला आवंटन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार किया। मधु कोड़ा ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उन्हें राहत मिले, चुनाव लड़ने का मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद अब कोड़ा के चुनाव लड़ने की संभावनाएं यहां पे समाप्त हो गई, धूमिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना और पीवी संजय कुमार की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। दोस्तों आपको बताते चले, बीती 18 अक्टूबर को मधु कोड़ा की याचिका खारिज भी कर दी गई थी। याचिका में मधु कोड़ा ने कोयला आवंटन मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी और इसे खारिज किया गया था। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, वहां से भी झटका लगा है बीजेपी नेता मधु कोड़ा को। गौरतलब है मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 2006 से 8 तक झारखंड के सीएम का पद संभाला और साल 2017 में इन्हें कोर्ट ने कोयला आवंटन घोटाले में दोषी माना था। बाद में मधु कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। दोस्तों देख सकते हैं ये ताजा अपडेट निकल के आई है। दोस्तों ताजा अपडेट आई है, आधार को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मानने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जी हाँ, इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड और आधार जैसे डॉक्यूमेंट शामिल है। आधार कार्ड में सबसे ज्यादा यहाँ पे भारत में इस्तेमाल किया जाता है, 90% के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड को बहुत से लोग कई जगहों पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई लोग इसे डेट ऑफ बर्थ है, जन्मतिथि का प्रूफ मानकर चलते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में सुनवाई हुई, फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मानने से इनकार कर दिया। पंजाब हाई कोर्ट के दोस्तों उस आदेश को यहाँ पे रोक लगाएगी, खारिज किया गया, जिसमें हाई कोर्ट ने यहाँ पे आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना था। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी मुख्य खबरें थी, बड़ी खबरें थी यहाँ तक पहुंचाई हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।